हेलो गाइस, होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मज़े में होंगे। सो आज आया है यहाँ पे नया पार्सल जो कि है क्लॉकवर्क की तरफ से है। इसमें आया है क्लॉकवर्क का डेव टर्म। ये क्लॉकवर्क का थर्ड प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस चैनल पे। सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट और मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या पार्ट्स वगैरह आते हैं एंड तो ये ओवरऑल ऐसा दिखता है और कैसे कैसे असेंबली वगैरह करनी है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ आज की वीडियो में। सो चलो वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। सो कुछ इस तरीके का पैकेज है, काफी बड़ा पैकेज आया हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने इसको ओपन तो किया था। यहाँ पे डेप्टम CM4GB लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट और आपको दिखाते हैं क्या क्या पार्ट्स है आज की वीडियो में, असेंबल भी करेंगे इसको। आ जा भाई। ओके सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, काफी बड़ा बॉक्स रहने वाला है ये। तो ओपन करते हैं एंड ये भी CM4 पे आता है जैसा अपना यू कॉन्सोल आता था। यू कॉन्सोल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो अपना यू कॉन्सोल आता था ये वाला CM4 पे आता था। तो ये भी CM4 पे ही आता है, रास्पबेरी पाई के CM4 4GB रैम वाला वेरियंट। सो उसी पे रहने वाला है ये भी। लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। अनबॉक्स, पैकेट पे और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है तो सीधा अनबॉक्स ही करने वाले हैं आज। ओके ओके तो ये कुछ सारा सामान मिलता है इसमें। मैं जस्ट जल्दी जल्दी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये अपनी हीट सिंक हो गई, हीट सिंक, थर्मल पैड्स, कुछ स्टिकर्स, ये अपनी गाइड हो गई, गाइड को रखते हैं साइड में। यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है। ये अपनी बैक प्लेट, बैटरी के लिए जो आती है बैक प्लेट, वो वाली बैक प्लेट रहने वाली है। नीचे चलते हैं, दो कंपार्टमेंट में आते हैं। नीचे हार्डवेयर है, ऊपर प्लास्टिक के केसिंग्स वगैरह है। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। ओके तो यहाँ पे इसका फ्रंट पैनल रहने वाला है, ऊपर स्क्रीन, नीचे कीबोर्ड। ये इसका मिडिल फ्रेम रहने वाला है, मिडिल पैनल, एंड ये इसका बैक पैनल रहने वाला है। यहाँ पे बैक पैनल हो जाएगा। ओके एंड इसकी एक खास बात कही, प्रिंटर के साथ आता है, इसमें एक प्रिंटर इनबिल्ट आता है। तो ये प्रिंटर की केसिंग रहने वाली है एंड ये इसके साइड स्क्रूज हो गए, ये स्टैंड ऑफ्स हो गए कुछ, ये स्टैंड ऑफ्स रहने वाले हैं। बाकी ये अपना प्रिंटर का पार्ट रहने वाला है, प्रिंटर का कोई पार्ट है। एंड मेन यूनिट ये है अपनी CM4 मॉड्यूल। सो CM4 मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ, कंप्यूटर मॉड्यूल 4 बोलते हैं इसको। बाहर आ जा। सो कुछ इस तरीके का CM4 दिखता है। यहाँ पे रैम चिप लगी हुई है, यहाँ पे मेन प्रोसेसर है ब्रॉडकॉम का, 1.5 GHz पे क्वाड कोर का प्रोसेसर रहने वाला है। यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ की चिप और नीचे इसके कनेक्टर्स। तो ये CM4 रहने वाला है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, आपको और हार्डवेयर दिखाता हूँ। ओके सो ये मेन हार्डवेयर रहने वाला है, ये सारी हार्डवेयर यूनिट है। इसमें आपको कीबोर्ड एंड मदरबोर्ड, स्क्रीन, सारा पार्ट मिल जाएगा। सो मेन रहने वाला है यहाँ पे कीबोर्ड। कीबोर्ड कुछ इस तरीके का है एंड कीबोर्ड के ऊपर एक अपनी आर्डिनो की चिप लगी हुई है, इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं एज इट्स ओपन सोर्स। यहाँ पे आपको USB का पोर्ट मिल जाएगा इसको रीप्रोग्राम करने के लिए, अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हो कीबोर्ड में तो। बाकी ये प्रोग्राम्ड कीबोर्ड है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसका माउंट, अपना CM4 इसके ऊपर लगेगा, इस रैम जैसी चिप पे। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मेन मदरबोर्ड। सो ये मेन मदरबोर्ड रहने वाला है। इस मेन मदरबोर्ड पे CM4 लग के ऐसे रैम की तरह यहाँ पे सेट हो जाएगा। आगे इसमें आपको मिल जाता है USB पोर्ट, नॉर्मल USB पोर्ट, टाइप ए वाला, टाइप सी का पोर्ट, एक माइक्रो HDMI एंड एक ऑक्स का, एंड यहाँ पे आपको एक PCI पोर्ट बोलते हैं शायद, एक्सटेंशन के लिए पोर्ट है कोई, तो वो मिल जाएगा। एक स्क्रीन लगाने के लिए रिबन केबल मिल जाएगी, यहाँ पे कनेक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे बैटरी के लिए कनेक्शन एंड ऊपर आपको मिल जाएगा सिम कार्ड लगाने के लिए एंड यहाँ पे बटन। ओके तो यहाँ पे सिम कार्ड लगा सकते हैं एंड यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक 32 GB की मेमोरी कार्ड मिल जाएगी, ये रिबन केबल है स्क्रीन से अटैच करने के लिए। नेक्स्ट आपको एक और बोर्ड मिल जाएगा, ये कूलिंग बोर्ड कह सकते हो या फिर आप एक सब बोर्ड कह सकते हो। यहाँ पे एक कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये भी शायद रीप्रोग्राम हो सकती है। यहाँ पे आप USB पोर्ट देख सकते हो, ये आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, कुछ
इस तरीके से इसमें फिट हो जाएगा एंड ये कुछ इस ऐसे असेंबली बनेगी इसकी बिल्कुल रेक्टेंगुलर फ्रॉम लॉन्ग रेक्टेंगुलर शेप में। सो ये कुछ ऐसे रहने वाला है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा बैटरी मॉड्यूल, यहाँ पे 18650 की बैटरीज दो, अपने हिसाब से आप इतने भी एमएच की बैटरीज ले सकते हैं एंड इस पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक स्क्रीन, ये है लॉन्ग में स्क्रीन है 720p स्क्रीन, ये आपको मिल जाएगी। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टर्म, यहाँ पे आपको थर्मल प्रिंटर, एक थर्मल प्रिंटर है गाइस, तो एक प्रिंटर मिल जाता है और ये प्रिंटर की असेंबली रहने वाली है। तो ये प्रिंटर की असेंबली रहने वाली है, थर्मल पेपर है एंड यहाँ पे प्रिंटर है ये। तो इसका ये बेस्ट पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे दो स्पीकर, सो दो स्पीकर हो गए। नेक्स्ट एक वाईफाई एंटीना, सो जल्दी से इसको रैप करता हूँ और असेंबल करते हैं जल्दी से सबको। इसको मैं लगाता हूँ वीडियो को टाइम लैप्स पे और आराम से आप इस वीडियो एंजॉय करिए। हाँ जी, सो ये ओवरऑल यहाँ पे असेंबल हो गए जैसे कि देख सकते हो। ऊपर एक्सपेंशन पोर्ट है, यहाँ पे प्रिंटर लगेगा, प्रिंटर का रोल नहीं है तो मैंने अभी लगाया नहीं, बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हो अच्छे से पैक हो चुका है ये। एंड होप सो आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छा लगा होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको अच्छे से चला के दिखाऊंगा क्या क्या इसमें फीचर्स वगैरह आते हैं, प्रिंटर भी एक बार चला के देखेंगे कैसे चलता है प्रिंटर वगैरह। एंड बाकी सब देख सकते हो, कीबोर्ड है, माउस है, माउस काम कर रहा है, बाकी कीबोर्ड वगैरह भी सब काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। सब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा सपोर्ट करो। सो बाय।